देखो हमारी भौजी ने लगा दी हल्दी ये रही और जिन्हें को लगा सॉरी थी बाबा जिन्हें को कहते सही जोत तो देवा दोस्तों बेर मिल गए बेर पन्नी को ये बात में मिली है इसमें बेर बीनने के काम आएगी ले पन्नी में तो क्यों नहीं खाते ये शॉपिंग मेकअप वगैरह कहीं करी है हाँ अभी गर्मी का मौसम पड़ रहा है दोस्तों और जूस और पी लेते हैं गन्ने का 60 रुपए के 1.5 किलो आज सुत्ती कर रहा हूँ। नमस्ते जी राम राम और सब कैसे हो आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। स्वागत है आपका सोनी धर्मेंद्र ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी सुबह सुबह बस ठंडी पड़ रही है तो ताप रहे हैं आज जला के और आज का ब्लॉग शूट हो रहा है बिशंगपुर MP से। सुबह के बज रहे हैं इस समय 7। और ये हरी सी शर्ट पहने हैं ना इनका नाम ज्ञान सिंह है और यही सोनी के जीजाजी ने की लड़की की शादी है। तो अभी सुबह हो गई तो सभी रिश्तेदार अपने अपने घर जाने की जिद कर रहे हैं। अभी सभी को अपने अपने घर पे काम है तो वो बोल रहे हैं कि सिर्फ अभी मन जाइए पहले खाना खाइए उसके बाद में आपका जाना होगा जब तक नहीं जाने देंगे। और आप भी आए हैं तो गाँव के लोकगीत और डांस इंजॉय कीजिए। गांव के लोकगीत आप सभी को कैसे लगे गीत और नाच ढोलक वाला नाच है ये तो कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। अभी देखो हमारी चाची जी और निशा सोनी बुआ और अंजू अभी घर पे से आ चुकी हैं। तो आज का वीडियो हमारा छोटू शूट कर रहा है बोल रहा था पापा जी चलो मैं वीडियो बना के लाता हूँ उसको काफी शौक लग रहा है। छोटे को थोड़ा ज्यादा बड़ा वाली तोड़ रही है। और ये है सोनी के मामा की लड़की तो इन्हीं की बेटी की शादी है। हाँ नहीं सास ससुर सब देखेंगे तेरी वीडियो देखी है वहाँ जो राम राम है तो समझ नहीं को और यहाँ पे चल रही है अभी मंडप के नीचे पाए पुजाई जिसको कन्या वो गौदान भी बोलते हैं। रात में हो गया था वैसे लगन के हिसाब से अब तो कोई रह गया था जब जो रह गए हैं वो पाए पुजाई कर रहे हैं बाकी के लोगों ने तो रात में ही जो पाए पूजते हैं वो पूरा कर लिया।
और जो लोग सोते हुए रह गए, जो दूर के हैं और जिनको सुबह, हाँ गांव के हैं, तो वो लोग अभी इस समय गौदान कर रहे हैं और ये साइड में बैठे हैं, जो कुछ भी कोई गिफ्ट देता है उसको नोट कर लेते हैं कॉपी में। चलो 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 मैं कर चलो। अभी लग रहा है शादी जैसे कि शादी में घूमने आए हैं। देखो हमारी भौजी ने लगा दी हल्दी, ये रही। चुप कैसे लगाई है? मतलब ये है हल्दी लगाने का मतलब। वैसे तो कोई कुछ कर नहीं पाता है, हल्दी की टाइम पर सब कसर निकाल लेते, जोर से देते हैं पीठ में। अभी उंगलियाँ छप रही होंगी। और जिन्हें को लगा सॉरी तू बाबा, जिन्हें को कहते सही लाल पीरी। हाँ सूखे सूखे डल रहे, सूखे सूखे हल्दी है तो या की रस्म है हल्दी की। जोत तो देवे लगी जागी। तू तो बड़ी पहलवान है। और इसको बोलते हैं चढ़ाव। तो ये चढ़ाए है जो कि लड़की के ससुराल वाले लड़की के लिए लेकर आते हैं, जिसमें कि जेवरात, सिंगार, सिंगारदानी, साड़ियाँ, कपड़े, गहना, ये सब कुछ होता है ये लड़के वाले लेकर आते हैं। और जो बेला होता है तो ये लास्ट की रस्म होती है समधी समधियों की, तो उसकी तैयारी चल रही। और इधर सबके लिए गरम गरम पूड़ियाँ निकल रही हैं। कहीं आते ही तो लगाए मामा, कहा है जब हमारी पीठ पे लगी देखिए जी, कह रहा हाँ लगेगी नहीं देख ले। हाँ तो कोई और नहीं लगा तो जो नहीं लगा भाई, सब बराबर के हो गए साल मेरे सबके हद्दी लग गई। तो अब हम घर पे चल रहे हैं दोस्तों, बस विदा ले ली सबसे, बहुत मजा आया, बाय। आया सोनी कैसा है मोपी रही फिरो। और चलिए चलते चलते आपको हम एकदम गांव की जो सुकून भरी हरियाली खेतियां वो आपको दिखाते हैं, जिसको देख के ही ना मन शांत हो जाता है। और क्या ही बताऊं जो सुकून मिलता है। यहां पे देख सकते हैं चारों तरफ गेहूं है, बड़ी डूबी रही जाओ कहां है देखिए, वो घोंटू घोंटू पानी है बस। इधर से ना हम शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं, जो कि करीब यहाँ से हम निकले हैं धौलपुर पड़ेगा करीब 25 किलोमीटर की दूरी पे, यानी जब हम मुरैना होकर जाते तो वो पड़ता करीब 35 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर का गैप बचा के जा रहे हैं। ये जो रास्ता है ना थोड़ा डरावना है, क्योंकि कई जगह पे खाली खाली जो जगह मिलती है बेड़ वाली, तो उस एकदम शांत एरिया। दोस्तों बेर मिल गए, बेर और बेर मिल गए तो आपको पता ही है, देखो बेरिया बहुत बढ़िया बेर है दिख रहे हैं इस पे, तो बाइक रुकवा दी बस यहीं पे। हाँ आप लोग खा लीजिए, सोनी बोल रही है बेर भी काफी बढ़िया बढ़िया लगे हैं इस पे, धूप पड़ रही है सामने से। लेकिन देखो दोस्तों कितने सारे बेर, बेर अंदर दत्ती लाल है, अंजू तो मजा आ गई, ले लो परात न कर जल्दी, परात न कर, परात में भरेगी। हां ला जल्दी ला अंजू, परात निकाल दे। पानी को ये बात में मिली, अब इसमें बेर बीनने के काम आएगी। ले पन्नी में तो क्यों नहीं काट दी, पन्नी में गोला धरे हैं बहुत बढ़िया लग रहा है, ताजा ताजा बेर खाइए दोस्तों। जसोदा कह रही बादना कह रही, सो बादना है भाई सा बेर यांग ले आई ले चल ले। हमारा खेतवा बेर ने को तो अल्लाह नहीं करे, और रेत की काजे तो फील हो रहा है, देखो जब भगो जाता है बेर भी नहीं, रेत फैला रहे हमारा, रेत नहीं फैला ऐसा बिल्लो आ रहा हमारा हम पे, रेत बेरों के लिए तो पागल हो जाती है पागल। वीडियो बना रहे हैं सुबह जल्दी देख ले वीडियो, तो और मुझे जीता है बेर मार रही तो कहते जी फैला के गए। अभी हम धौलपुर पहुंच गए और अभी थोड़ा दवा भी लेके चलते हैं, क्योंकि हल्का हल्का सर भारी सा लग रहा है, मेरे को लग रहा है तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो उससे पहले दवाई लेके चलते हैं। और कुछ शॉपिंग भी करनी है, अंजू के लिए भी कपड़े लेने हैं और अपने लिए भी हमको 2-3 पैंट ले लेते हैं, क्योंकि अब शादियाँ जो आ रही हैं, एक ही पैंट बचा है बस मेरे पास, कोट भी फट गया, कोट भी धोखा दे गया,
तो अब कोर्ट के लिए तो देखेंगे अगली जो अगला पेमेंट आएगा जब जब खरीदेंगे। गांधी पार्क में ये बंदर बेचारे उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि इनको भी कोई खिलाने वाला आए। तो आप भी जब कभी गुजरे हैं यहाँ से तो बंदरों को थोड़ा बहुत जरूर खिलाएं प्लीज। ला ला तो ये पूरे दिन नहीं खेलेगा। अलग छीर का खा लेते एकदम पूरे एकदम। सोने की खरीदारी होगी, शॉपिंग, मेकअप वगैरह भी। अभी हम धौलपुर लेडीज मार्केट में आ गए, गांधी पार्क भी बोलते हैं, जो पीछे है। और ले तुम कितने पैंट लेंगे? तो 3000-4000 सही है, ज्यादा गहरे कलर ना दुबके, जब कलर ज्यादा निकल तो देखो पहन का। ये लूज़ आए हैं, सही लग, बढ़िया है, लूज़ आए हैं जी। चेंज में ऐसे जाओ तो कर लो, यही कर लो, यही लूज़ आए ना, क्या स्प्रे हो। अभी अंजू के लिए भी शॉपिंग कर लेते हैं क्योंकि शादी वगैरह आ रही है, मेरे अंजू के लिए कपड़े वगैरह ले लेते हैं। कहीं करी है हाँ, जींस टॉप देख ले, देख ले सही है बढ़ेगी नहीं इतनी रहेगी, ठीक है। आज सोनी नहीं, आज अंजू बोली कि मौसाजी जूस पीना है गन्ने का, तो यहाँ पे चरखी चल रही, काफ़ी बढ़िया बढ़िया जूस निकलवाया और फिलहाल अभी जूस पीते हैं। गर्मी का मौसम तो अभी लग ही गया है और गन्ना काफ़ी चारों तरफ दिख रहा है अभी। और जैसा कि ये वाला मौसम है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी हवाएँ, कभी बरसात, तो इस मौसम में ना बिना बर्फ़ का ही जूस पी है, वो काफ़ी बढ़िया है और फायदेमंद भी है। हमने भी बिना बर्फ़ का ही बनाया। देखो जूस कितना बढ़िया है, एक नंबर जूस। एंजू सही लग रहा है, सोनी नहीं पी रही, वो तो मौतन भूख रही है। अभी योगेश विवेक के लिए बॉल ली, वो काफ़ी दिन से बोल रहे हैं बॉल के लिए, आज ध्यान आ गया, लेके चलते हैं। 30 रुपये की आई है ये। और बच्चों के लिए लेते हैं अभी कुछ फल पलारी, तो चीकू लेके चलते हैं, चीकू काफ़ी फायदेमंद है इस समय के मौसम में। 60 रुपये के 1.5 किलो चीकू लिए अभी हमने, ले। अभी पहुंच गए दोस्तों हम घर पे, हमारी मम्मी रिश्तेदारी में जा रही है आज। मानसू आ रहा है भाग के, पता चलेगा उसको ताऊ आ गए, वही देखो अरे आ गए बाबूजी। तो सुत्यारी में ही सुत्यारी तो है, अच्छा तभी तो मैं आयो, मैंने कहा मानसु सुत्ते कर रहा होगा, लच्चा ले कर रहा हूँ, तभी तो मैं आयो। वो बेर खाओ, देखो बेर लाया हूँ, चीकू खा लियो, चीकू लाया हूँ, देखो हाँ चीकू खा लियो वाला, पानी पीते हैं, कैसे दौड़ लगा के आता है। अभी हमारी मम्मी पापा भी तैयार हो गए और शादी में जा रहे हैं, हमारी मम्मी के मायके यानी हमारे मामा के यहाँ पे, हमारे मामा के दोस्त के लड़का शायद लड़की शादी है। दोस्तों जैसे ही शाम का टाइम हुआ, मेरे सर में इतना भयंकर दर्द होने लग गया कि मेरे पे अब वो सहन नहीं हो रहा है, तो मैं फिर आया डॉक्टर के पास। अभी डॉक्टर के पास ही बैठा हूँ, बस दवा लेता हूँ क्योंकि मेरे को ब्लॉग भी एडिट करके अभी अपलोड करना है, भले ही रात के 8-9 बजे। अंजू की ड्रेस जो कल हमने अंजू के लिए कपड़े खरीदे थे, तो हमारी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, मैंने कही सोनी अब तो कल दिखाना है इनको, तो ये वाले जो कपड़े खरीद कर लाए थे, वो योगेश पे जींस की शर्ट थी ना, तो ये भी बोलते थे हमारे लिए भी जींस की शर्ट वगैरह लेकर आओ, तो ये अंजू की व्यवस्था बन गई। अभी विवेक ने नहीं देखा है, नहीं तो वो कौन कौन आएगा फिर, ये पैंट बोलेगा मेरे को ही छोड़ दिया है, सबके लिए लेके आ गए। अंजू अपनी पसंद से लेकर आई है, मैं अपने लिए 2 पैंट लाया था बस, और आगे पढ़ के जी जींस की जत्तो है सही है अंजू की है।
तो तू पे तो कपड़ा आता ही इतने कौन ना लाए ऊन का होती है योगे सब देख ले मम्मी है ये पैंट पहले देख ले तो भैया कपड़ा तरह करेंगे का ते बिन तू पहले करी भैया नहीं करा अभी बजट थोड़ा टाइट है जैसे ही पैसे व्यवस्था होती है तो विवेक के लिए भी कपड़े लेने हैं और भी कपड़े लेने हैं। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। तो बताना दोस्तों कैसा लगा ब्लॉग, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में, जब तक के लिए राम राम, दो सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।